हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही टेस्टी मसाला चिकन करी की रेसिपी। ये मसाला चिकन करी की रेसिपी बनाना इतना आसान है ना कि आप इसे पहली बार में बनाओगे ना तो पहली बार में आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बना के तैयार कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। तो मसाला चिकन करी बनाने के लिए ना यहाँ पर हमने 700 ग्राम चिकन ले लिए हैं। चिकन को अच्छे से धो के साफ कर लिए हैं और चिकन का जो पीसेस है ना हमने थोड़ा सा बड़ा रखे हैं। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए इसमें हम 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1.5 छोटे चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 छोटे चम्मच डालेंगे नमक। अब हम इसमें 1 टुकड़ा नींबू का रस डालेंगे। तो नींबू को निचोड़ते समय जो नींबू का बीज गिर गया है ना उसे हम निकाल लेंगे फ्रेंड, नहीं तो चिकन जो है ना बाद में कड़वा हो जाएगा। अब हम मसाले के साथ अच्छे से चिकन को मिला लेंगे। इसके बाद ना इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि मसाले के साथ अच्छे से चिकन जो है ना सेट हो जाए। तो ये देखिए अच्छे जैसे हमने मिला लिए हैं। अब हम इसे ढक के साइड में रखते हैं। तब तक इसके लिए ना एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए एक मिक्सी के जार में हम 1 छोटे चम्मच काली मिर्च ले लेंगे, 1.5 छोटे चम्मच जीरा लेंगे और 1 बड़े चम्मच भर के लेंगे धनिया। अब हम इसमें कुछ सूखे खड़े गरम मसाला डालेंगे। तो गरम मसाला में हमने यहाँ पर 2 टुकड़ा ले लिए हैं दालचीनी, 2 ले लिए हैं छोटी इलायची, 3 ले लिए थे लौंग और 1 बड़ा इलायची और 1 टुकड़ा ले लिए है जावित्री का फूल। अब हम इसमें 1 बड़े चम्मच भर के डालेंगे कम तीखे वाली लाल मिर्च का पाउडर। अब इन सारे चीज़ को ना हम सूखा दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए मसाले को हमने पीस लिए हैं। तो अब हम चिकन को बनाने के लिए ना कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो तेल गरम हो गया तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो 3 मीडियम साइज के ना प्याज को हमने पतला पतला स्लाइस में काट लिए हैं। अब हम प्याज को चलाते हुए सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। तो ये लीजिए प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, देख सकते हो आप लोग। और उधर जो है ना हमें चिकन को मैरिनेट किए हुए 10 मिनट हो गया है। तो अब हम इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल देंगे और चिकन को ना हम हाई फ्लेम में चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो आप पहली बार में जब भी चिकन को भुने ना हाई फ्लेम में भुने, आप इसे मीडियम या फिर लो फ्लेम में ना भुने वरना चिकन में पानी छोड़ने लगता है ना तो चिकन का जो टेस्ट है अच्छा नहीं आता है। और हाई फ्लेम में इसे हल्का क्रिस्पी होने तक भून लेने से चिकन का टेस्ट जो है डबल हो जाता है। तो ये देखिए चिकन को हमने हाई फ्लेम में चलाते हुए लगभग 5 मिनट के लिए भून लिए हैं और देख सकते हो आप लोग चिकन ऊपर से हल्का क्रिस्पी हो गया है। तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें हम फ्लेवर के लिए 2 तेजपत्ते को तोड़ के डालेंगे, 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे और 1 मीडियम साइज के छोटे टुकड़े में कटे हुए टमाटर डालेंगे। और इसे ना हम ढक के लो फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन का जो पानी है ना वो जैसे निकल जाए और यहीं पर चिकन हमारा अच्छे से पक जाए। तो चिकन को ढके हुए हमें 5 मिनट हो गया है और देख सकते हो आप लोग चिकन ने कितना सारा पानी छोड़ दिया और टमाटर और चिकन जो है ना हमारा अच्छे से पक भी गया है, ये देखिए। तो अब हम इसमें जो सूखे मसाले को ड्राई रोस्ट करके रखे थे ना उस मसाले को इसमें डाल देंगे और मसाले के साथ हम चिकन को चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड, और इस सीक्रेट मसाले से ना आप एक बार चिकन को बना के ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट और फ्लेवर इतना लाजवाब आता है ना कि एक बार आप इस तरह से चिकन को बना लिए ना तो इसी तरह से आप मसाला चिकन करी बनाना पसंद कीजिएगा। तो ये देखिए मसाले के साथ हमने अच्छे से चिकन को भून लिए हैं और देख सकते हो आप लोग मसाले ने तेल को भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें ना ग्रेवी के लिए 1/2 गिलास के करीब गर्म पानी डालेंगे। तो ज़्यादा पानी नहीं डालना फ्रेंड क्योंकि हमारा जो चिकन है ऑलरेडी अच्छे से पक चुका है, सिर्फ ग्रेवी के लिए इसमें हम पानी डालेंगे। तो चिकन में हमने 1/2 गिलास गर्म पानी डाल दिए हैं। अब हम अच्छे से ग्रेवी के साथ चिकन को मिक्स कर लेंगे। तो आप इसमें जब भी ग्रेवी के लिए पानी डालें ना गर्म पानी ही डालें, गर्म पानी से ग्रेवी का टेस्ट और कलर दोनों ही अच्छा आता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ग्रेवी में हल्का सा उबाल आने देंगे। जैसे ही ग्रेवी में उबाल आ जाए इसमें हम 1/2 छोटे चम्मच चिकन मसाला डालेंगे और चिकन मसाला को भी हम अच्छे से चिकन के साथ मिक्स करके इसे हम मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। तो चिकन को ढक के पकाए हुए हमें 2 मिनट हो गया है। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी मसाला चिकन करी बनके तैयार है।
तो ग्रेवी जो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पतला या फिर गाढ़ा रख सकते हो। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटे हुए हरे धनिए, और हरे धनिए के साथ हम अच्छे से चिकन को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ना हम गैस का फ्लेम को ऑफ करके चिकन को 2 मिनट के लिए हल्का सा ढक के ठंडा होने देंगे। ऐसे करने से क्या होता है ना, चिकन का जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है। तो 2 मिनट हो गया फ्रेंड, और देख सकते हो आप लोग चिकन का फाइनल लुक, ये देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है ये देखिए। और इसका खुशबू इतना लाजवाब आया है ना कि हम आप लोग को बोल के बता नहीं सकते। और ये देखिए चिकन का कलर कितना परफेक्ट आया है। तो चलिए अब ना इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो मेरे इस तरीके से ना एक बार आप इस आसान से मसाला चिकन करी को बना के जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। मुझे आशा है कि ये चिकन करी की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप बिगनर हो, पहली बार में इसे बनाना चाहो ना, तो पहली बार में ही आपका चिकन करी जो है परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये चिकन करी की रेसिपी आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ हमें कॉमेंट पर बताना ना भूले। अच्छा लगे ना तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।